स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी पर ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 90 टारगेटेड पहलू को देखते हैं और ये पहलू है पॉलिसी मेकर्स अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारों कम्युनिटी और वालिदैन की नज़र में स्पेशल एजुकेशन की अहमियत को उजागर करना और शऊर पैदा करना। इस पहलू का अगर हम पस मंज़र देखते हैं तो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारों और आम आवाम की नज़र में स्पेशल एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है, जिसकी वजह से स्पेशल एजुकेशन को हर जगह और हर मरहले पर यकसर तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। इन वजूहात की बिना पर हमारा स्पेशल एजुकेशन का सेक्टर बहुत ज़्यादा पसमानदा है। हमारे पॉलिसी मेकर्स जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें वो स्पेशल एजुकेशन के पहलू को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारे सिर्फ अफराद बहम मजदूरी को खैरात के लिए मनसूबाबंदी और तगुदो करते हैं। कम्युनिटी और वालदेन को स्पेशल एजुकेशन की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं, उनको ये मालूम ही नहीं कि खसूसी बच्चे हर तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं और इस मकसद के लिए हुकूमती और निजी सतह पर बहुत ज़्यादा इदारे कायम हैं। इन वजूहात की बिना पर स्पेशल एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर मुनासिब लॉबिंग और हमायत का फुकदान है। इस पस मंज़र के साथ हम इन मकासद का तयन करते हैं कि तमाम पॉलिसी मेकर्स को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो उसमें वो स्पेशल एजुकेशन की पहलू को मुनासिब अहमियत दे। इसी तरह अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारों को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो अफराद बहम मजदूरी को ऑब्जेक्ट के बजाय एज अ सब्जेक्ट ले और इन्हें हकीकी मानों में बाख्तियार बनाने के लिए मुनासिब इकदामात उठाए। और बाख्तियार बनाने का सबसे अहम तरीन कम्पोनेंट एजुकेशन है, यानी अगर हम अफराद बहम मजदूरी को स्पेशल एजुकेशन दें तो सिर्फ उसी सूरत में हम उन्हें मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बना सकते हैं। इसके अलावा वालिदैन और कम्युनिटी को इस बात पर सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो अपने मजदूरी के खामिल बच्चों को मुनासिब तालीम दे, क्योंकि तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें वालिदैन और कम्युनिटी को ये भी बताना चाहिए कि वो अपने खुसूसी बच्चों को किस तरह की तालीम कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। और इन मकासद के साथ हम ये पॉलिसी बयान जारी करते हैं कि हुकूमत तमाम पॉलिसी मेकर्स और अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारों को इस बात का पाबंद बनाएगा कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे या जब भी खिदमत फराहम करेंगे तो उसमें वो मजदूरी के खामिल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन के पहलू को मुनासिब अहमियत देंगे। और वालिदैन को भी इस बात पर सेंसिटाइज किया जाएगा कि मजदूरी के खामिल बच्चों को वो मुनासिब तालीम दे। और इन मकासद के हुसूल के लिए हम जो स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली अपनाएंगे वो ये होगी कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए तमाम पॉलिसी मेकर्स और अफराद बहम मजदूरी को खिदमत फराहम करने वाले इदारों को इस बात पर सेंसिटाइज करेगा कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाए या खिदमत फराहम करे तो उसमें स्पेशल एजुकेशन के पहलू को मुनासिब अहमियत दे, जबकि जो खिदमत फराहम करने वाले इदारे हैं उनको इस बात पर सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो अफराद बहम मजदूरी को ऑब्जेक्ट के बजाय एज अ सब्जेक्ट ले और उन्हें हकीकी मानों में बाख्तियार बनाने के लिए मुनासिब इकदामात उठाए। और हकीकी मानों में बाख्तियार बनाने के लिए जो सबसे अहम तरीन कम्पोनेंट है वो तालीम है। इसके अलावा वालिदैन को इस बात पर सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो अपने खुसूसी बच्चों को खुसूसी तालीम दिलवाए और इसी तरह वो उनको हकीकी मानों में रिहेबिलिटेट करे, यानी उनको उनकी बहाली करे और हकीकी मानों में उन्हें बाख्तियार बनाए। तो उम्मीद है डियर व्यूअर्स आप स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 90 टारगेटेड पहलू के बारे में जान गए होंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन पर हमारी अगली वीडियो आखिरी वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।